हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आपने शुरू की टीम्स में देखा ही होगा कि मैं ट्रेन से कहीं जा रही हूँ। हाँ, मैं आ रही हूँ जालंधर, पंजाब में है और मैं यहाँ कल आई थी। तो मैं ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूर समझा क्योंकि मुझे उस सफ़र के दौरान जो है कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, तो मैं अभी शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं चाहती हूँ कि परेशानियों का सामना मुझे उठाना पड़ा। तो जो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं उन लोगों को परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जो है अपने जहाँ भी आपको जाना है वहाँ आप जो है वो टाइम से पहले पहुँचे, क्योंकि हम जो पहुँचे थे वो हमें किसी वजह से लेट हो गया था। हम टाइम टू टाइम ही पहुँचे थे वहाँ पे, और एकदम अनाउंस होने लगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन को आना था उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन ना आके दूसरे प्लेटफॉर्म पे एकदम ट्रेन का अनाउंस हुआ, एकदम हम वैसे ही लेट हो गए थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है किसी भी तरीके से कभी भी अपनी ट्रेन को ट्रेन के टाइम को लेट ना करें। जैसे कुछ लोगों आदत हो जाती है, वो अपनी आदत बना लेते हैं कि उनको जो है वो देर से ही जाना है, तो ऐसा कभी ना करें। क्योंकि एक तो हम लेट पहुँचे और ऊपर से अनाउंस हो गया कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो हमें बड़ा भागना पड़ा। हाँ, आप ये है कि आप अपने पास जितना भी अपना सामान रखें तो वो आपके पास बैग जो है वो पहिए वाले होने चाहिए। हमारे पास ये प्लस पॉइंट रहा कि हमारे बैग जो थे वो पहिए वाले थे, तो हमने फटाफट दौड़ा लिया, हमें पुल भी पार करना पड़ा, तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी बात ये है कि आप कभी भी अनजान लोगों से बात ना करें। मेरी फ्रेंड की मम्मी के साथ ऐसा हुआ था कि वो मुरादाबाद से आए थे, तो उनको किसी ने अकेले आए थे वो, जैसे कि और पूरी फैमिली थी जिनसे उन्होंने बातें शुरू की थी, तो और उनको ऐसा किया था कि उनको चाय पिलाई उन लोगों ने और चाय में कुछ ऐसा मिला दिया कि वो मतलब जब वो यहाँ सहारनपुर आई मतलब बेहोश हो गई, उन्हें कुछ नहीं कर पता। तो डॉक्टर्स को उनको बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया, तब उन्हें मुश्किल से बच पाई थी। तो उनका सब कुछ सामान वगैरह जो उन्होंने गोल्ड का सब कुछ पहना हुआ था सब कुछ लूट लिया था, उनका बहुत बुरा हुआ था। तो कभी भी आप अगर आप ये देखें कि कोई फैमिली भी है किसी फैमिली के साथ भी आप कभी भी उन्हें मिलें, क्योंकि जब जो पूरा गैंग होता है गैंग के साथ चलते हैं ये और अकेला देखते हैं किसी को, तो उसको ये लूटने के अलग अलग तरीके होते हैं। और आप अपने साथ जो है कम से कम सामान रखें, जितना भी हो सके कम से कम सामान रखें। कम से कम आपके पास सामान होगा तो आपको रास्ते में परेशानी नहीं होगी। और खाने का सामान भी रखें अपने साथ, क्योंकि ट्रेन में जो पैकेट्स वगैरह जो मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ जो है वो खाने का सामान ज़रूर रखें। और मेरी तो ये आदत है कि मैं अपने साथ काले चने जो है उबाल कर उनको जीरे का बघार दे के नमक वगैरह डाल के ले चलती हूँ, प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ उनमें सफ़र के लिए। एक तो वो एनर्जी देते हैं और दूसरा वो खाने में ऐसा गंदा भी नहीं लगता है कि हम चम्मच से अपने डिब्बे में से उसको खा सकते हैं। तो आप अपने साथ में पानी पीने, अगर आप पानी ट्रेन से ख़रीद रहे हैं तो हाँ आजकल बहुत घोटाला चल रहा है, तो पानी पे आप देख कर ख़रीदें कि पानी जो है वो बिसलेरी का है या नहीं, क्योंकि नकली पानी भी बाज़ार में बहुत बिक रहा है। और जो यही है कि किसी से फैमिली डर ना हो, और आप बाथरूम जब जाएं तो ऐसे टाइम में ना जाएं कि जब ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा भीड़ होती है सुबह मॉर्निंग के टाइम पर। तो आप कोशिश ये करें कि या तो आप सब सबके उठने से पहले फ्रेश हो जाएं या सबके जाने के बाद जाएं, और आप जो अपना उसका यूज़ करें आप टॉयलेट वगैरह का जो यूज़ करें आप वो चलते वक्त ही करें, क्योंकि स्टेशन पर गंदगी करना जो होता है वो उससे खड़ी हुई जब भी खड़ी हुई ट्रेन हो तब ना करें। और बहुत सी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने नोट की थी अपने फोन में जो आपसे बता रही हूँ मैं। तो जो मेन बातें मेरे साथ गुजरी हो तो वो यही है जो मैंने आपसे शेयर की। कुछ और बातें हैं जो मैं भी आपको शायद अपनी अगली वीडियो में बता पाऊँ, वो मेरे से मिस हो गई है कहीं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो अगली वीडियो तक